गोरखपुर जिले के गीडा थाने की पुलिस टीम द्वारा गैंग बनाकर धोखाधड़ी करने, जमीन के नाम पर पैसा भुगतान करा लेने व विक्रय शुदा जमीन को पुनः विक्रय कर देने और जान से मारने की धमकी देने वाले गिरोह के दो अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। इस संबंध में SP नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि गैंग लीडर अमित यादव पुत्र जयप्रकाश यादव व रंजीत पाल पुत्र शत्रुघ्न उर्फ शवोहन पाल का विधि विरुद्ध गैंग है, जिनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि उक्त गैंग का लीडर अमित यादव उपरोक्त स्वयं व अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के द्वारा अपराध से अर्जित की गई संपत्ति की जांच कर उसे जब्त करने की कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए SP नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत थाना गीडा पर आज अमित यादव व उसके साथी रंजीत पाल के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। ये दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध एक दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत थे। ये गांव के सीधे साधे व भोले वाले लोगों से फ्रॉड करके उनकी जमीनों को बिकवा दिया करते थे।